वेलकम टू रैकअप एकेडमी। रैकअप एकेडमी में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। और कल हमने आप लोगों को बताया था कि नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में जीएनपी क्या है, जीडीपी क्या है। तो जीएनपी में हमने बताया था कि किसी एक वर्ष के दौरान किसी राष्ट्र के समस्त नागरिकों द्वारा अर्जित आय का योग होती है। और जीडीपी के लिए हमने बताया था कि जीडीपी किसी राष्ट्र, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर समस्त व्यक्तियों द्वारा अर्जित आय का योग होती है। तो इसको आज हम एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करेंगे। कल जो हमने बताया था, वो डिफाइन किया था उसको, कैसे हमको डिफाइन करना है, लेकिन आज अभी इसको एक सूत्र में पिरो करके आप लोग दिखाते हैं तो वो बेहतर ढंग से आप समझ जाएंगे। और थोड़ा सा धैर्य रखिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, रट्टा मारने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एक टॉपिक से कई क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अगर आपको रट्टा के पैटर्न पर अगर बता दिया जाए, चीज़ों को एक लाइन में समझा दिया, बता दिया जाए, समझाया नहीं जा सकता एक लाइन में, तो आप जो चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर देखे रहेंगे, जो चीज़ आप नोट किए रहेंगे, उसी से संबंधित क्वेश्चन आप कर पाएंगे। एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देता है तो आप समझते हैं पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, और फिर आप उस क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। फैक्ट तो आपको किताबों में मिल जाएगा, तमाम पत्रिकाएँ आती हैं उसमें मिल जाएगा फैक्ट, तो फैक्ट के चक्कर में भी मत पड़िए आप। पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम जीएनपी आज चार चीज़ें लेंगे, जीएनपी और जीडीपी और जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कास्ट। तो राष्ट्रीय आय, हम लोग लेते हैं, इसी में आता है आपका जीएनपी, जीडीपी, जीडीपी, जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस, जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट, जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर आप ये समझिए, समझिए कि राष्ट्रीय आय का टॉपिक आपका ख़त्म। अगर ये चीज़ें नहीं समझेंगी तो ये घूम घूम करके आती रहती हैं पूरे इकोनॉमिक्स में, और आपको धीरे धीरे क्या कर देंगे, बिल्कुल अंदर से पीड़ित कर देते हैं, करे ये साहब समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है। तो उसकी वजह यही होती है कि आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अपना आप क्लियर करिए, उसके बाद देखिए कितनी आसानी से चीज़ें समझ में आती हैं। तो जीएनपी में हमने बताया था, जीएनपी इक्वल टू यह है किसी देश के समस्त नागरिकों द्वारा अर्जित आय किसी देश के समस्त नागरिकों द्वारा अर्जित आय। अब इसके दो पार्ट कर सकते हैं, नागरिक, वह नागरिक जो देश की सीमा के हैं, घरेलू सीमा में हैं, सीमा में हैं। दूसरी चीज, वह नागरिक, कल मैंने बताया था, जो विदेशों में भी काम कर रहे हैं, वह घरेलू नागरिक
लिखिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। घरेलू नागरिक जो देश की सीमा से बाहर है, से बाहर है यानी विदेशों में काम कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी नागरिकता भारतीय नागरिकता ही बनाए रखी है, ये हो गया आपका जीएनपी। और जीडीपी क्या हो गया? जीडीपी हो गया देश की घरेलू सीमा में देश की घरेलू सीमा के नागरिक लिखों द्वारा अर्जित आय प्लस देश की घरेलू सीमा में विदेशियों द्वारा अर्जित आय द्वारा अर्जित आय। तो ध्यान दीजिए इसमें दो चीज़ें कॉमन है, देश की घरेलू सीमा में नागरिकों द्वारा अर्जित आय, किसी देश की समस्त नागरिकों द्वारा, वह नागरिक जो देश की घरेलू सीमा में हैं अर्जित आय अर्जित कर रहे हैं, तो यह चीज़ें और ये दोनों कॉमन हो गई कि नहीं हो गई? ओके, तो अब इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, सॉरी जीडीपी है, किसी देश की घरेलू सीमा में नागरिकों द्वारा अर्जित आय, देश की घरेलू सीमा में विदेशियों द्वारा अर्जित आय, ये है। और यहाँ है वह नागरिक जो देश की घरेलू सीमा में अर्जित आय कर रहे हैं और वह नागरिक जो विदेशी सीमा में रह करके आय अर्जित कर रहे हैं, तो इसमें ये कॉमन है जो देश की घरेलू सीमा के नागरिक हैं जीएनपी जीडीपी दोनों में, तो इसको हम जीडीपी को इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देश की घरेलू सीमा के नागरिकों द्वारा अर्जित आय के द्वारा अर्जित आय बराबर हो जाएगा जीडीपी माइनस, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये जीडीपी माइनस ये इक्वल टू ये, तो देश की घरेलू सीमा में विदेशियों द्वारा अर्जित आय, देश की घरेलू सीमा में विदेशियों द्वारा अर्जित आय द्वारा
आए। ओके, अब इस चीज़ को ये देखिए, देश की घरेलू सीमा के नागरिकों द्वारा अर्जित आय, और ये वह नागरिक जो घरेलू सीमा में हैं, यानी घरेलू सीमा के नागरिकों द्वारा अर्जित आय, तो इस चीज़ इसकी जगह पर इस चीज़ को रख दिया जाए तो क्या मिल जाएगा हमको, जीएनपी इक्वल टू हो जाएगा जीडीपी माइनस देश की घरेलू सीमा में विदेशियों द्वारा अर्जित आय, देश की घरेलू सीमा में, या इसको ये कह सकते हैं कि विदेशियों द्वारा अर्जित आय, अर्जित आय प्लस ये वह नागरिक जो देश की सीमा से बाहर हैं, यानी स्वदेशियों द्वारा अर्जित आय, प्लस यहाँ करिए प्लस स्वदेशियों द्वारा अर्जित आय, ये हो गया। तो जीएनपी इक्वल, अगर इसको हम, अब एक चीज और ध्यान दीजिए, इसको ऊपर लिखते हैं, इस चीज को जीएनपी इक्वल टू जीडीपी, अगर इसको हम एम मान लें और इसको एक्स मान लें, स्वदेशियों द्वारा अर्जित आय और विदेशियों द्वारा अर्जित आय, यानी स्वदेशियों द्वारा अर्जित आय यानी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको एक्स मान लें, द्वारा अर्जित आय आय बराबर एक्स, और विदेशियों द्वारा अर्जित आय अर्जित आय इक्वल टू एम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, ओके। ये क्या है, स्वदेशियों द्वारा अर्जित आय, स्वदेशियों द्वारा अर्जित आय, ये एक्स हो गया, और माइनस एम, ये माइनस एम विदेशियों द्वारा अर्जित आय, उसको हमने एम मान लिया, तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, ये आपका एक फार्मूला बन गया। और इसके पीछे कुछ मकसद है, ये जो फार्मूला हमने बनाया है, अब वो मकसद क्या है उसको भी देख लिया जाए। ध्यान दीजिए, अगर अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है, हमने बंद अर्थव्यवस्था पहले ही दिन बताया था जब अर्थशास्त्र का परिचय हम लोग पढ़ रहे थे, तो
उसमें बंद अर्थव्यवस्था बताया था हमने कि बंद अर्थव्यवस्थाएं वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनका अन्य देशों से कोई व्यापारिक संबंध नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, और खुली अर्थव्यवस्थाएं वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनका विदेशों से अंतर संबंध है, यानी व्यापारिक संबंध विदेशों से उनके हैं और वह आयात भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं। तो वो अर्थव्यवस्थाएँ खुली अर्थव्यवस्थाएँ जो किसी से आयात ना तो करते हैं ना निर्यात करते हैं बल्कि अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं के उत्पादन के द्वारा कर लेते हैं, वो अर्थव्यवस्थाएँ बंद अर्थव्यवस्थाएँ कहलाती हैं। तो अगर अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है यानी ना विदेश के लोग हमारे देश में आकर के काम कर रहे हैं ना हमारे देश के लोग विदेशों में जाकर के काम कर रहे हैं, तब एक्स और माइनस क्या हो, एक्स और एम क्या हो जाएगा, ये दोनों ज़ीरो हो जाएगा, एक्स माइनस एम इक्वल टू ज़ीरो अगर अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है। तो एक्स माइनस एम इक्वल टू अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हो गया कि जी एन पी बराबर जी डी पी होगा कि नहीं होगा, बताइए। अगर कोई डाउट हो तो बताइए। अगर अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है ना तो विदेश में हमारे यहाँ के लोग जा कर के काम कर रहे हैं हमारे नागरिक, और ना दूसरे देश को नागरिक हमारे देश में आकर के काम कर रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था होगी और तब एक्स और एम की मात्रा क्या होगी, शून्य होगी, तब जी एन पी बराबर जी डी पी होगा। यह कब, जब अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था के लिए केस फर्स्ट, केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड में हम लेते हैं अगर x ग्रेटर है m से, इफ x इज ग्रेटर देन m, यानी हमने निर्यात अधिक किया और आयात कम किया, x इज ग्रेटर देन m, अगर यह कंडीशन है तो क्या होगा, तब जी एन पी बड़ा होगा जी डी पी से। तो जी एन पी इज ग्रेटर देन जी डी पी, तो होगा क्या, अगर जी एन अगर एक्स इज ग्रेटर देन एम तो जी एन पी इज ग्रेटर देन जी डी पी, तो इसका मतलब यह है कि हम विदेशों से क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे, हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, विदेशी अर्थव्यवस्था से मजबूत होगी जिन देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध हैं। और केस थर्ड, जी एन पी अगर इफ एक्स इज लेस देन एम, यानी हमने आयात कम किया, आयात अधिक किया और निर्यात कम किया, तब क्या हो जाएगा, जी एन पी इज लेस देन जी डी पी, यानी हमारी अर्थव्यवस्था स्वदेशी अर्थव्यवस्था विदेशी अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर है, उसकी टेक्नोलॉजी हमसे अच्छी है, घरेलू पूंजी पर विदेशी स्वामित्व अधिक होगा और उससे हम निर्यात अधिक करेंगे, उससे हम आयात अधिक करेंगे निर्यात कम करेंगे, और यह कंडीशन आज़ादी के बाद से लगभग हमेशा यही स्थिति रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था ने हमेशा विदेशों से आयात अधिक किए हैं और संबंधित देशों को निर्यात कम किया गया है। इसकी वजह से हमें हमारा भुगतान संतुलन क्या होगा, हमेशा प्रतिकूल रहता है अनुकूल रहने के बजाय, यह कंडीशन में क्या हो जाएगा, भुगतान संतुलन हमारा, भुगतान संतुलन प्रतिकूल होगा, और यह कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होगा, भुगतान संतुलन अनुकूल होगा,
अब आप सोच रहे होंगे साहब ये भुगतान संतुलन कौन सी बला आ गई। तो अभी हम लोग जब उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ेंगे तो उसमें भुगतान संतुलन अनुकूल और प्रतिकूल या तमाम पेपरों पे समाचार पत्रों में न्यूज़ पर आता रहता है, टीवी चैनलों पर मैगजीन्स आप उठा करके देखें तो उसमें भुगतान संतुलन प्रतिकूल भुगतान संतुलन अनुकूल आता है। और मोस्टली क्या हो रहा तो भुगतान संतुलन प्रतिकूल कब होगा अनुकूल कब होगा, जो अगर जीएनपी लेस देन है जीडीपी से, यानी हमने निर्यात कम किया है आयात अधिक किया है, तो भुगतान संतुलन हमारा प्रतिकूल होगा। और आज़ादी के बाद से यही स्थिति रही है, एकाध बार हुआ है बीच में कि हमारा भुगतान संतुलन अनुकूल रहा है। ओके, ये चीज़ें समझ में हो गई। अच्छा, एक चीज़ हम आपको और बता दें, ये आप लोगों के मन में आ रही होगी बात कि साहब एक बार तो ये कहते हैं अर्जित आय का योग, कहते हैं एक बार कुल उत्पादन का योग, फिर एक बार कहते हैं कुल व्यय का योग। तो वो इसलिए कहा जाता है कि जीएनपी बराबर जीएनआई बराबर जीएनई, ये हमेशा यही स्थिति रहती है। जो जीएनपी होगी वही जीएनआई होगी, जो जीएनआई होगी वही जीएनई होगी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, जो हमारा जीएनपी होती है वही हमारी आय होती है। जो हम उत्पादन करते हैं उसी के बराबर हमारी आय होती है और उसी के बराबर हम क्या करते हैं व्यय करते हैं। यह कैसे होता है अभी हम आगे देखते हैं, एक आपको हम चार्ट बना करके उसके माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे तो वह बेहतर तरीके से आपको समझेंगे। और इसको आप ये मत सोचिएगा कि लंबा घसीट रहे हैं, बल्कि दिमाग में चीज़ें उतर जाएं कि कैसे जीएनपी जीडीपी जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, जीएनपी बड़ा कब होगा, जीएनपी छोटा कब होगा, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर, और अगर जीएनपी बड़ा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर, और जीएनपी जीएनआई जीएनई ये तीनों बराबर कैसे होते हैं, उसके माध्यम से हम एक चार्ट बना करके आपको समझाते हैं, उसको आप देखिए। ओके, अभी हमने बताया कि जी एन पी जी एन जी एन आई बराबर जी एन ई जी एन ई ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, ग्रास नेशनल इनकम और जी एन ई, ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं एक दूसरे के। ये कैसे होते हैं एक चार्ट बना कर आपको समझाते हैं। मान लीजिए अर्थव्यवस्था द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है जिसमें बिजनेस सेक्टर है और हाउस सेक्टर है, घरेलू क्षेत्र है और व्यापारिक क्षेत्र है। तो ये आपका हो गया, ये होम सेक्टर हो गया हाउस सेक्टर, और दूसरा ये हो गया आपका बिजनेस सेक्टर। अर्थव्यवस्था जब द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है तो एक चीज़ और बता दें, किसी चीज़ के उत्पादन में चार चीज़ों की आवश्यकता रहती है उत्पादन के लिए। उत्पादन के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है, भूमि, यह ऐसा माना गया है, भूमि, श्रम, पूंजी
भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। साहस या साहसी, इसको लिख लिए। साहसी उसको कहते हैं जो निवेश करने का साहस करे। तो उत्पादन के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता होती है? भूमि की, श्रम की, पूंजी की और साहसी की। तो मान लीजिए कि घरेलू क्षेत्र है, ये बिजनेस सेक्टर है, तो यह किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है अगर, तो इसके लिए किसकी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? ये हाउस सेक्टर इसको क्या क्या देगा? बिजनेस सेक्टर को भूमि देगा, भूमि, श्रम, पूंजी प्लस साहस। यह इसके बदले में क्या देगा इसको? घरेलू क्षेत्र को व्यापारिक क्षेत्र क्या क्या देगा? भूमि पर लगान देगा, भूमि पर लगान, फिर श्रम पर मजदूरी श्रम को, मजदूरी, पूंजी पर ब्याज देगा, ब्याज और साहस को लाभ, साहसी को लाभ। यही चाहिए और क्या चाहिए? तो यह हाउस सेक्टर जो बिजनेस सेक्टर, भूमि देगा, श्रम देगा, पूंजी देगा, साहस देगा, और बिजनेस सेक्टर इसको क्या करेगा? भूमि के बदले में लगान देगा, मजदूरी के बदले, श्रम के बदले में उसको मजदूरी देगा, पूंजी पर ब्याज देगा। पूंजी पर ब्याज, जैसे कहीं से आपने वो लिया है, ऋण लिया है, किस आपने कोई इंडस्ट्री लगाई, इंडस्ट्री में आपको क्या चाहिए? भूमि चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो भूमि लेंगे तो आप चाहे खरीदें, वही लगान हो गया, या किराए पर लें तो ये आपका लगान हो गया। उसमें आपके श्रमिक रहेंगे, वो क्या करेंगे? उनको आप मजदूरी देंगे। पूंजी जो आपने ऋण लिया है उस पर आप ब्याज देंगे, और जो इन्वेस्ट करेगा वहाँ पर पैसा, उसको क्या बोलते हैं? साहसी बोलते हैं। और उसको क्या चाहिए? लाभ चाहिए। तो इन लोगों ने भूमि, श्रम, पूंजी, साहस दिया बिजनेस सेक्टर को। बिजनेस सेक्टर ने क्या किया? इनको पैसे दिए। किसके रूप में? लगान के रूप में, मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में और लाभ के रूप में। अब ये क्या करेंगे? बिजनेस सेक्टर इनको और भी तो चीज़ें देगा। वो क्या देगा? इसको देख लीजिए क्या देगा। वस्तुएं और सेवाएं, वस्तुएं और सेवाएं। भाई ये उत्पादन करेगा तो वस्तुएं और सेवाएं भी तो इसको देगा। मार्केट में इनको देने का मतलब मार्केट में ला करके रखेगा, मार्केट से ये लोग खरीद करके ले जाएं, क्योंकि इनके पास लगान के रूप में पैसे पहुंचते हैं, मजदूरी के रूप में पैसे पहुंचे हैं, ब्याज के रूप में पहुंचे हैं पैसे, और लाभ ये अपना रख लेगा। तो ये वस्तुएं और सेवाएं भी तो इनको देगा। ये क्या करेंगे? उस पैसे को इन्हीं वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करेंगे, इन्हीं वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय। अगर बचत नहीं कर रहा है, अभी हमने इस समस्त पैसा व्यय कर देंगे कि अभी अर्थव्यवस्था में कोई बचत नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे? वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करेगा। तो इनके लिए जो उत्पादन हुआ यानी GNP हुआ, फिर वही इनके लिए क्या हो जाएगा? GNI हो जाएगा। वस्तुएं और सेवाएं ये क्या हो गई? GNP हो गई। मतलब GNP क्या डिफिनेशन हमने पहले दिन बताया था
कि किसी देश द्वारा या किसी राष्ट्र द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं, GNP कहते हैं। तो वस्तुएं या सेवाएं, ये इसका क्या हो गया, GNP हो गई। और फिर उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं पर जिन्होंने व्यय कर दिया वो क्या हो गई, GNE हो गई। ओके, फॉलो करेंगे नहीं आप लोग? अगर कोई संशय हो, कोई डाउट हो तो बताइए आप। जो वस्तुएं और सेवाएं हैं इनके लिए क्या हो गई, GNP हो गई। और इन्होंने उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं पर जो अपनी समस्त आय थी, किसके रूप में, लगान के रूप में, मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में, लाभ के रूप में, वो क्या करेंगे, इस पर व्यय कर देंगे। तो ये क्या हो गई, GNI हो गई, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर। और ये क्या हो गई, GNI हो गई, GNI ग्रॉस नेशनल इनकम। जो इनकी GNP है वो इनकी GNI है, और फिर जो इनकी GNI है वो इसकी क्या हो गई, GNE हो गई। तो इसलिए हमने बताया कि GNP इक्वल टू GNI इक्वल टू GNE, ये हमेशा बराबर होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अभी GNP एट ए फैक्टर कास्ट, GNP एट ए मार्केट प्राइस, दो चीज़ें और बताना है। और वहाँ पर ये और क्लियर हो जाएगा आपका, GNP एट ए मार्केट प्राइस और GNP एट ए फैक्टर कास्ट। फैक्टर कास्ट मतलब जो साधन लागत, साधन लागत क्या है, वही भूमि, श्रम, पूंजी, वही तो साधनों की जो अभी हमने बताया था कि जो साधनों की आय है हाउस सेक्टर के लिए, वही उसके लिए क्या है, बिजनेस सेक्टर के लिए वही उनका व्यय है। तो GNP एट ए फैक्टर कास्ट, तो जो अगर गवर्नमेंट उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है तो जो GNP एट ए मार्केट प्राइस होगी वही GNP एट ए फैक्टर कास्ट होगी। लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो GNP जो है हमेशा GNP एट ए मार्केट प्राइस GNP एट ए फैक्टर कास्ट से अधिक होती है। कैसे अधिक होती है उसको हम आगे देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो बाल्टी तैयार करती है, तो बाल्टी बनाने के लिए स्टील की आवश्यकता होती है, स्टील प्लांट वाले ने क्या किया, स्टील बनाने के लिए यहाँ से 20 रुपये का कच्चा लोहा लिया, यहाँ से क्या लिया, 5 रुपये का कोयला, कुल 25 रुपये हो गए। और फिर इसने, स्टील प्लांट वाले ने क्या किया, बाल्टी फैक्ट्री को बेचा, वो स्टील बाल्टी बनाने के लिए। तो ये 20 रुपये का कच्चा लोहा, 5 रुपये का कोयला, तो 20 रुपये में उठा करके इनको देगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये अपना कुछ मेहनताना उसमें जोड़ेगा। मान लीजिए 25 रुपये ये प्लस 20 रुपये अपना इसमें इसने मेहनताना जोड़ा, कुल 45 रुपये में दे देता है इस बाल्टी फैक्ट्री को। बाल्टी फैक्ट्री ने क्या किया, बाल्टी बनाई और इस 45 रुपये में अपना उसमें मेहनताना जोड़ा इसने 5 रुपया
तो ये 50 रुपये में इसको दे देता है पैंतालीस, ये जो पहले से ये हुआ, और पाँच ये अपना मेहनताना उसने जोड़ा, उसने 50 रुपये में दिया होलसेलर को। होलसेलर को दे दिया, होलसेलर ने क्या किया, उस पर और कुछ अपना मेहनताना जोड़ करके, मान लीजिए कि उसने भी 5 रुपये अपना मेहनताना जोड़ दिया, या ये ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं, मान लीजिए 10 रुपये इसने जोड़ दिया, 10 रुपये जोड़ करके इसने क्या किया, होलसेलर ने क्या किया, रिटेलर को दिया। रिटेलर को दिया कितने रुपए में, 10 रुपये अपना इसने महानताना जोड़ा, 50 रुपये ये था, 50 + 10 = 60, 60 रुपये में इसने दे दिया रिटेलर को। रिटेलर ने क्या किया, 5 रुपये पर बाल्टी इसने लिया और इसने बेचना शुरू कर दिया कितने में, 65 रुपये में। तो 60 रुपये ये प्लस 5, अब ये दे रहा है 65 रुपये में आम उपभोक्ता को। आम उपभोक्ता को दिया तो कितने में बिकी हो, 65 रुपये में। तो वास्तव में ये क्या हो गई, जो 65 रुपये में बिक रही है इसकी क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी 65 रुपये इस उपभोक्त आम उपभोग इसकी, रिटेलर की 60 रुपये ये इधर का जुड़ता हुआ चलाया, 5 रुपये उसने अपना प्रॉफिट है मेहनताना जो भी जोड़ दिए वो लिया, 65 रुपये में इसने दिया। तो ये क्या है, ये यहाँ पर ये सब क्या है, ये उस बाल्टी की लागत तो ही तो है, यानी बाल्टी नहीं, इसको होलसेल अगर अब तो हमने समझाने के लिए आपको बताया था, एक बाल्टी का एग्जाम्पल दिया। इसी तरीके अर्थव्यवस्था में जो भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जा रही हैं उनको अगर समग्र स्तर पर देखा जाए तो ये जो 65 रुपये उस बाल्टी का मूल्य आया वही तो क्या है आपकी GNP एट ए फैक्टर कास्ट। अभी जो हमने चार्ट बनाया था हाउस सेक्टर बिजनेस सेक्टर, तो ये क्या हो गया, GNP एट ए फैक्टर कास्ट, GNP एट ए फैक्टर कास्ट इक्वल टू कितना हो गया, 65 रुपये। अगर अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं कर रही है तो यही क्या हो जाएगा, इसका मूल्य भी हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं उतने में ही बिक रही, GNP एट ए मार्केट प्राइस। तो जो अगर गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है अर्थव्यवस्था में तो GNP एट ए फैक्टर कास्ट, GNP एट ए मार्केट प्राइस दोनों बराबर होंगे और बराबर उसके उस मूल्य के। ओके, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, सपोज करिए गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, उसने इस पर टैक्स लगा दिया 10%। तो 10% जब टैक्स लग जाएगी तो इस 65 रुपये का 10% आपका हो जाएगा कितना, 10% अगर आपने वो लगा दिया तो हो जाएगा 6 रुपये 50 पैसा इक्वल टू 6 रुपये 50 पैसे। ओके, तो जब 6 रुपये 50 पैसे उस पर गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया पर बाल्टी, तब ये क्या हो जाएगा, यह GNP एट ए फैक्टर कास्ट इक्वल टू 65 रुपये वो प्लस टैक्स कितना, 6 रुपये 50 पैसा। तो ये हो गया आपका 61 रुपीज़ 50 पैसे, ये आपके ये हो गए। तो यही आपकी क्या हो जाएगी,
जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस, यानी जिस मूल्य पर सब जो वस्तुओं सेवाओं का उनके मूल्यों से बाजार मूल्य से गुणा करके हमने प्राप्त किया वो ये आ गया। तो जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस कितनी है, अगर गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं कर रही तो वो 65 रुपये है और वही फैक्टर कास्ट है, यानी वही साधनों की लागत है। और ये जो है जब गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया तो 6% तो 6.50 रुपये 71.50 रुपये ये क्या हो गया जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस। तो इससे क्या निकल करके आया, तो जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस इक्वल टू जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट प्लस टैक्स। ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ शुरू में बताया था कि जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस हमेशा अधिक होगी जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट, कब, जब गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है। अच्छा, इसी के साथ एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आज का टॉपिक क्लोज। ये मान लीजिए कि बाल्टी ग्रामीण क्षेत्रों में बिकने के लिए जा रही है और गवर्नमेंट ने क्या कहा कि प्रोड्यूसर से, उत्पादक से कहा कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में बाल्टी 71.50 रुपये में नहीं बेचेंगे, हम आपको 5 रुपये की सब्सिडी भी देते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब 5 रुपये की सब्सिडी देंगे तो इस 71.50 रुपये में से आप 5 रुपये माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया, 6 और ये हो गया 66। 66 रुपये 50 पैसे में, अब आपकी बाल्टी कितने बिकेगी 66 रुपये 50 पैसे में, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको 5 रुपये पर बाल्टी सब्सिडी देंगे। जैसे तमाम चीज़ों में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उर्वरक है, उर्वरक की एक बोरी की लागत कुछ नहीं तो इसमें 1500 रुपये आती है, आ रही होगी, और वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा होने के नाते, क्योंकि किसान उसका इस्तेमाल करता है, वो 350 रुपये से लेकर के 400 रुपये में प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट। कैसे, वो प्रोड्यूसर से कहती है कि आप 350 रुपये में बेचिए, 400 रुपये में बेचिए, 450 रुपये में बेचिए और बाकी की भरपाई हम आपको सब्सिडी के माध्यम से कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा फिर, अगर गवर्नमेंट मान लीजिए फिर कहा कि नहीं आप ग्रामीण क्षेत्रों में बेचिए लेकिन 5 रुपये हमसे सब्सिडी लीजिएगा और 66 रुपये 50 पैसे में बेचिए, तो जी एन पी एट ए मार्केट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा जी एन पी एट ए फैक्टर कास्ट प्लस क्या आपका, या अभी जी एन पी एट ए फैक्टर कास्ट मत लिखिए और क्लियर कर देते हैं इसको, तो आपका वो हो गया 71.50 रुपये, सॉरी 65 रुपया जो फैक्टर कास्ट है, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया उसका 6.50 रुपये इस पर टैक्स लगा दिया, टैक्स यहाँ लिख लीजिए, और यहाँ क्या कर दिया, अनुदान दे दिया, तो इसमें से माइनस हो जाएगा 5 रुपया, 5 रुपये की सब्सिडी उसने दे दिया। तो 5 रुपया माइनस हो गया, तो ये इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं जी एन पी एट ए मार्केट प्राइस इक्वल टू जी एन पी एट ए फैक्टर कास्ट, ये यहाँ देखिए जी एन पी एट ए फैक्टर कास्ट, जी एन पी एट ए फैक्टर कास्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। तो अगर टैक्स अधिक है सब्सिडी से, दो तीन चीज़ यहाँ और निकल करके आएंगे वो भी क्लियर कर, अगर टैक्स अधिक है सब्सिडी से तो क्या होगा, तो जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस
इज लेस देन जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट, और इसका उल्टा अगर सब्सिडी अधिक है तब क्या हो जाएगा, जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस लेस देन जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट। और जब यह कंडीशन आएगी सब्सिडी अधिक हो टैक्स कम हो तब क्या होगा, सार्वजनिक कल्याण अधिक होगा क्योंकि इसका कर का बोझ जनता के ऊपर कम पड़ेगा क्योंकि जितना वो टैक्स ले रही है उससे ज़्यादा सब्सिडी दे रही है। तो यह एक कल्याणकारी सरकार की पहचान होगी। और जब टैक्स अधिक होगा तो यानी कि महंगाई का असर उसके ऊपर अधिक होगा जनता के ऊपर, तब क्या होगा, जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस ग्रेटर देन जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट। मेरे ख्याल से आपको कोई अब दुविधा नहीं होगी इस टॉपिक को समझने में। अगर टैक्स अधिक है, केस फर्स्ट, टैक्स इज ग्रेटर देन सब्सिडी, तो क्या होगा, जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस ग्रेटर देन जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट। फैक्टर कास्ट अगर के सेकंड, अगर टैक्स कम है लेस देन सब्सिडी तब क्या हो जाएगा, जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट इज ग्रेटर देन जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस। ओके, और जब ये कंडीशन होगी तो जनता महंगाई को झेलेगी, जब ये कंडीशन होगी तो राहत महसूस करेगी, और यह पहचान एक कल्याणकारी सरकार की पहचान होगी। थैंक यू, बस आज इतना ही।